नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। ऐसा क्यों? आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि अधिकांश लोगों के मन में सवाल बनकर हमेशा उभरता रहता है कि आखिरकार पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता जब वो खुली वायर पे बैठते हैं, और वहीं हम अगर गलती से कोई इलेक्ट्रिक वायर को अपने घर में छू लेते हैं तो हमको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। हो सकता है कुछ लोगों को इस बारे में पता हो कि ऐसा होता क्यों है। जिनको नहीं पता है वो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, उनके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए, इस चीज़ को समझने के लिए हम इस पिक्चर में देख लेते हैं। पिक्चर के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करेंगे कि पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि इस वायर में करंट नहीं है इसलिए पक्षियों को करंट नहीं लगता? कहीं आपके मन में ये सवाल तो नहीं उठ रहा कि पक्षी जब भी वायर पर बैठते हों जब वायर पे करंट ना होता हो? जी नहीं, वायर पे करंट हो या ना हो पक्षियों को करंट नहीं लगता। इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट पिक्चर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आपने एक चीज़ तो नोटिस करी होगी कि आपके घर में जितने भी बिजली से चलने वाले गैजेट हैं, उपकरण हैं, सब में उनको चलाने के लिए दो वायर की जरूरत पड़ती है। अब वो दो वायर सॉकेट में हम जब लगाते हैं, सॉकेट्स के होल्स में, तो वो उपकरण चलने लग जाता है। अब ये सॉकेट्स में ये जो दो होल्स हैं ये क्या हैं? एक होल में फेज है जिसमें कि करंट आ रहा होता है, और वहीं दूसरा होल है जो कि न्यूट्रल, जिसमें करंट नहीं होता, वो जीरो पोटेंशियल होता है। वो जीरो पोटेंशियल क्यों होता है वो अभी मैं बताऊंगा। पहले ये देख लेते हैं ये फेज। फेज में क्या है? ये इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। जो घर में सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट दी जाती है। दोस्तों, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि टीवी है या फ्रिज है, कुछ भी है, उसकी एक वायर आप फेज में अटैच करना और दूसरी वायर को न्यूट्रल में अटैच नहीं करना, तो क्या आपका उपकरण चलेगा? जहाँ तक मेरी जानकारी है, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? वो इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि उपकरण में करंट फ्लो नहीं कर रही है वो। अब करंट क्यों नहीं फ्लो कर रही है? वो न्यूट्रल से, दूसरी वायर न्यूट्रल से अटैच नहीं है। अब जो आपकी दूसरी वायर है वो न्यूट्रल से अटैच नहीं है तो करंट आपके उपकरण में फ्लो नहीं कर रहा है। वो इस वजह से फ्लो नहीं कर रहा है क्योंकि आपके उपकरण का सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, और सर्किट कंप्लीट करने के लिए आपको दो चीज की जरूरत है, एक है फेज, दूसरा न्यूट्रल। अब ये न्यूट्रल है क्या? ये न्यूट्रल जाता कहाँ है? अब ये न्यूट्रल है क्या? न्यूट्रल जीरो पोटेंशियल हम क्यों कह रहे हैं? अब ये न्यूट्रल आपके घर से खंभों के माध्यम से होता हुआ, जो आपके एरिया का ट्रांसफार्मर होता है, वहां पे इस वायर को ग्राउंड कर देते हैं, अर्थ में ग्राउंड कर देते हैं। अब अर्थ में ग्राउंड इसलिए करते हैं क्योंकि अर्थ जो होती है हमारी जीरो पोटेंशियल होती है। अब एक चीज है कि करंट फ्लो कैसे करती है? करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। जब भी सर्किट कंप्लीट होता है तो अर्थ हमारी जीरो पोटेंशियल है, और फेज वायर जिसमें कि एनर्जी है करंट वोल्टेज जो कि हायर पोटेंशियल है। तो अब होता क्या है कि जब भी आप उपकरण की या कोई भी गैजेट ले लें, उसको आप फेज वायर से, एक वायर इसकी फेज वायर में कनेक्ट करते हैं, दूसरी न्यूट्रल में कनेक्ट करते हैं, तो फेज क्या हो गया? हायर पोटेंशियल जो कि 220 वोल्ट होता है। न्यूट्रल क्या हो गया? जीरो पोटेंशियल जो कि अर्थ से अटैच है। तो करंट फ्लो करने का प्रिंसिपल ये है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। तो जैसे ही आप ये दोनों वायर इन दोनों सॉकेट में अटैच करते हैं, आपका उपकरण गैजेट जो भी है वो चलने लग जाता है। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया है कि कैसे हमारे गैजेट चलते हैं। इसी सिद्धांत पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता जो कि फेज वायर पे बैठ जाती हैं कभी कभी। इस चीज़ को समझने के लिए हम पिछली पिक्चर पर चलते हैं। अब इस पिक्चर में आप देख रहे हैं फेज वायर पर बर्ड्स बैठी हुई हैं जो कि हायर पोटेंशियल है। पर लेकिन दूसरी चीज ये है कि जो कि
अर्थ जीरो पोटेंशियल है, वहां से इनका कोई भी बॉडी पार्ट अटैच नहीं है, तो करंट फ्लो करने के लिए हायर पोटेंशियल और जीरो पोटेंशियल का होना जरूरी है। अब जाहिर सी बात है, ये पोल्स 10-15 फीट ऊपर होते हैं धरती से, और कोई भी चांस नहीं बनता कि इन पक्षियों का कोई भी बॉडी पार्ट धरती से अटैच हो। तो आपको तो पता ही है कि करंट फ्लो करने के लिए एक क्लोज सर्किट की जरूरत पड़ती है। ये केवल फेज वायर पर बैठती हैं, और इनका इनका कोई भी बॉडी पार्ट धरती से अटैच ना होने की वजह से करंट नहीं लगता। वही दूसरे शब्दों में कहूं कि अर्थ से अटैच ना होने की वजह से सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाता, क्लोज लूप नहीं बन पाता, जिस वजह से इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। और कई बार इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, जहां पे आपने देखा होगा कि काफी सारे खंभे हैं और अलग-अलग एरिया के लिए बिजली सप्लाई होती है वहां से। तो वहां पे क्या होता है, जो दो फेज वायर होती हैं उनकी दूरी पक्षी के पंखों से छोटी होती है, तो कई बार पक्षी क्या करते हैं कि पंख अपने फैला लेते हैं, जिस वजह से दोनों फेज वायर आपस में अटैच हो जाती है, जिस वजह से जैसे शॉर्ट सर्किट की कंडीशन हो जाती है और कई वो इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता खुली वायर पर बैठने के बावजूद भी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा? लाइक और शेयर करना ना भूलें, हो सके तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।